आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संसद में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सरकार ने किसानों के लिए शुरू की कई योजनाएं, जन जन तक पहुंच रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी विपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले निजता का किया गया हनन। बजट सेशन से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी सांसद और दल उत्तम मन से करें चर्चा। 10 फरवरी तक इंडियन रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेन, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेन हुई रद्द। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार हुई महिला की बहन का भी हुआ था यौन उत्पीड़न, अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। तेजस्वी प्रकाश बनी बिग बॉस के 15वें सीजन की विजेता, प्रतीक सहजपाल बने फर्स्ट रनर अप। तेलंगाना में नाबालिग लड़के ने फुटपाथ पर बैठे लोगों पर चढ़ाई कार, 4 महिलाओं की हुई मौत। अगले महीने में ओटीटी पर दर्शकों का होगा भरपूर मनोरंजन, द ग्रेट इंडियन मर्डर, गहराइयां, रीचर, लूप लपेटा और आई वांट यू बैक हो रही रिलीज। दिल्ली में फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, उत्तर भारत में बारिश के प्रबल आसार। नानकमत्ता में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, उत्तराखंड में होटल संचालक समेत 7 गिरफ्तार। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। प्रयागराज पहुंचे यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, माघ मेले में स्नान पर्व की तैयारियों का लिया जायजा। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी 17 वर्षीय लड़की की हत्या, पुलिस ने किया मामले का खुलासा, प्रेमी गिरफ्तार। नोएडा में रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह के घर आयकर विभाग की छापेमारी, मिले कई अहम सबूत। जौनपुर में भी आयकर विभाग की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप, कीर्ति कुंज ज्वेलर्स समेत 2 शोरूम पर टीम कर रही है जांच। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू, वसंत पंचमी पर तय होगी कपाट उद्घाटन की तिथि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे, कल मंगलवार 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने किया बड़ा दावा, रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी हो सकते हैं सपा में शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाखिल किया नामांकन, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सपा मुखिया। बजट से पहले शेयर मार्केट में आई बहार, बाजार खुलते ही 700 अंक से ज्यादा चढ़ा। दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात से दहला बागपत जिला, गन्ना डालने जा रहे बाबा पोते को मारी गोली, पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या, खेखड़ा कोतवाली के पास बसी गांव की घटना। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।